ऐसे मतलब बताया था आपको एगो आना चाहिए, और एल का मतलब लास्ट संडे, मंडे एटसेट्रा, ऐसा बताया था। और अंतिम बात जहां आकर के मेरी रुक गई थी वो था आई। आई का मतलब है इट इज, लिखे आप लोग, इट इज टाइम, इट इज टाइम, या इट इज हाई टाइम। गौर से देखो, बात को समझो। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम शब्द का प्रयोग हुआ है, हिंदी में इसका मतलब होता है समय आ गया है। मैंने आपको कहा कि समय आ गया है जब आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, और मैं अंग्रेजी में सेंटेंस दे रहा हूं, देखना एक बार। इट इज टाइम, इट इज टाइम यू स्टार्ट, इट इज टाइम यू स्टार्ट योर स्टडी वेल, इट इज टाइम यू स्टार्ट योर स्टडी वेल। समय आ गया है जब आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से शुरू कर देना चाहिए। यहां आपने देखा कि सेंटेंस के शुरू में इट इज टाइम आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इट इज टाइम आए चाहे इट इज हाई टाइम आए, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी समय आ गया है। मैंने आपको कहा इट इज टाइम, समय आ गया है, मैं कहता हूं इट इज हाई टाइम, समय आ गया है। यू स्टार्ट योर स्टडी वेल, यहां पर स्टार्ट को काट के आपको स्टार्टेड करना चाहिए, समझा।